ये मेडिसिन वजन कम करने का काम करता है, यानी अगर किसी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से उसे बीपी की समस्या हो रहा है, थायराइड की समस्या हो रहा है, शुगर की समस्या हो रहा है, अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो, या फिर बढ़े हुए वेट को यानी जो उसके शरीर का वजन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यानी ये जो मेडिसिन है ये वजन कम करने का काम करता है, यानी जो उसका वेट है उसे एक प्रकार से नॉर्मल रेंज तक लाने का काम करता है। और जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग और किस प्रकार की दिक्कत और किस प्रकार की समस्या मरीज को रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है, या फिर कौन कौन से रोग में कौन कौन से समस्या में इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर मरीज को करने के लिए देते हैं, इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये मेडिसिन लेना कैसे होता है, कौन ये मेडिसिन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी देंगे। ये मेडिसिन वजन कम करने का काम करता है, और जैसे कि ये मेडिसिन पेट की चर्बी को कम करने का काम करता है, जैसे कि अगर किसी के पेट का चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट की चर्बी बढ़ने के कारण उसका पेट में काफ़ी ज़्यादा घेरा की समस्या आ जाता है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और उसे एक प्रकार से चलने में हाफा छूटता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा भारी रहता है, वेट भारी होने की वजह से उसे बीपी की समस्या रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, या फिर वेट के कारण उसे शुगर की समस्या हो जाता है, थायराइड की समस्या हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं को ये जो टेबलेट है यानी जो ये मेडिसिन है ये मेडिसिन ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि बढ़े हुए वेट को यानी जो उसका शरीर का वजन है उसे ये कम करता है, यानी मोटापे की समस्या को भी एक तरीके से ये नॉर्मल रेंज तक लाने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि अगर किसी के पेट का चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस चर्बी को मात्रा को ये धीरे धीरे एक प्रकार से कम करके उसके बॉडी को ये चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम करता है। ये मेडिसिन आपके वजन यानी जो आपका मोटापा है उसे मेंटेन करने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि ये मेडिसिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगता है यानी अगर उसे बहुत ज़्यादा भूख लगता है, भूख लगने के कारण वो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, जाहिर सी बात है जब किसी को भूख लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा तो उसका वेट होगा वो एक प्रकार से कंटिन्यू बढ़ेगा, यानी तो ये मेडिसिन क्या काम करता है, जब किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगता है तो उस भूख लगने की क्षमता को भी ये एक प्रकार से कम करने का काम करता है। जैसे कि जब किसी को भूख लगता है तो दिन में 5 से 6 बार कंटिन्यू खाना खाता है तो इससे भी उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यानी ये मेडिसिन उसकी जो भूख की मात्रा है उसे एक प्रकार से कम करने का काम करता है। ये मेडिसिन आपके डाइट को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे जो आपकी भूख लगने की क्षमता है वो ये घटा देता है, जब आपका भूख लगने की क्षमता घटा देगा तो जाहिर सी बात है आप दिन में कम खाना खाएंगे, तो जब कम खाना खाएंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिक घटता हुआ चला आएगा। और एक प्रकार से ये मेडिसिन आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है, यानी जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे नॉर्मल रेंज तक लाने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि ये मेडिसिन शुगर के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है, यानी अगर किसी का जो शुगर का लेवल है वो घटता रहता है या फिर बढ़ता रहता है तो एक प्रकार से ये शुगर के लेवल को भी मेंटेन करने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा अगर किसी को फैटी लीवर की समस्या रहती है यानी फैटी लीवर की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि ये मेडिसिन आपके डाइजेशन को भी एक प्रकार से प्रॉपर ठीक करने का काम करता है, और जैसे कि अगर आपके जो शुगर का लेवल है उसे भी एक तरीके से नॉर्मल रेंज तक लाने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या रहती है तो ये मेडिसिन किडनी स्टोन की जो समस्या बनती है उसे भी ये रोकने का काम करता है। जैसे कि इस मेडिसिन का जो काम मुख्य काम होता है जब किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी बढ़े हुए वेट को यानी जब किसी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका वजन है वो नॉर्मल रेंज तक लाने का काम ये मेडिसिन करता है। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा मेडिसिन होता है, डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है।
वजन को कम करने के लिए। चलिए अब हम आपको इस दवा के डोज के बारे में बताते हैं। इस दवा का डोज कैसे डॉक्टर के द्वारा निर्धारित करके मरीज को लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो दवा का डोज होता है, ये मरीज की दिक्कत और उसके एज और उसकी बॉडी वेट और उसके दिक्कत परेशानी को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। लेकिन जो एडल्ट में इस दवा का डोज होता है, एडल्ट में डॉक्टर के द्वारा एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि अगर आप ये दवा ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, डायरिया की समस्या हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा नींद की भी समस्या आ सकता है। और जैसे कि इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में आप कोई दवा कोई भी मेडिसिन लें। कभी भी आपको कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग नहीं करना है।